समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। हमारी धरती में दो ध्रुव हैं, इसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तौर पर जानते हैं। इसी तरह दो चुंबकीय ध्रुव भी हैं, जिसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों की ताज़ा पड़ताल से खुलासा हुआ है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव सालाना 55 किलोमीटर की दर से खिसक रहा है। ये धीरे धीरे कैनेडाई आर्कटिक क्षेत्र से खिसकते हुए साइबेरिया क्षेत्र में जा रहा है। इस भौगोलिक बदलाव से उत्तर गोलार्ध में नेविगेशन के पूर्व अनुमान अब उतने कारगर नहीं रह गए हैं। आज के विशेष में हम इसी भौगोलिक बदलाव के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति कैसे और क्यों बदल रही है। इसके साथ ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में भी एक नज़र डालेंगे और इसके चुंबकीय ध्रुव से अंतर को समझेंगे, साथ ही पृथ्वी की संरचना पर भी नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। धरती का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तेजी से मूव हो रहा है। इसकी स्थिति कनाडा से दूर साइबेरिया की ओर जा रही है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का डायरेक्शन उत्तर ध्रुव यानी कनाडाई आर्कटिक से सालाना 55 किलोमीटर यानी 34 माइल की दर से रूस के साइबेरिया की तरफ खिसक रहा है। इससे उत्तरी गोलार्ध में नेविगेशन यानी नौवहन के पहले के अनुमान अब कारगर नहीं रह गए हैं। स्मार्टफोन और उपभोक्ता के इस्तेमाल वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपासेस में समस्या आ रही है। अगर आपको ये बताया जाए कि धरती की उत्तरी दिशा अपनी जगह से खिसक रही है तो शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन ये सच है। धरती की उत्तरी दिशा अपनी जगह से लगातार खिसक रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अपनी जगह से खिसक रहा है और साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ने प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी दी है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये साफ हुआ है। धरती का कोर है ना, सेंटर, वो सेंटर मोल्टन मेटल है। वो मोल्ट मेटल मेल्ट होके घूमने के समय उसमें चुंबक पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। सो वो चुंबक उधर अंदर घूमते रहता है। वो घूमते रहने के समय सपोज उसमें थोड़ा उछल पुछल हो गया तो उसका मतलब है ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पोल है ना, नॉर्थ पोल, उसी तरह साउथ पोल, उसका पोजीशन थोड़ा चेंज होगा। दरअसल धरती का भौगोलिक नॉर्थ पोल तो फिक्स है, लेकिन धरती पर दिशा दिखाने वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी स्थिति बदल रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का डायरेक्शन उत्तर ध्रुव यानी कनाडाई आर्कटिक से सालाना 55 किलोमीटर यानी 34 माइल की दर से रूस के साइबेरिया की तरफ खिसक रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तुलना में चुंबकीय नॉर्थ पोल 4 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक गया है। 19वीं सदी के मध्य में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा के दक्षिण में था, लेकिन अब धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र को छोड़कर साइबेरिया की ओर बढ़ रहा है। शिपिंग लॉग है हमारा पास, शिप्स में वो मैग्नेटिक पोल होता है ना, वो मैप में वो रिकॉर्ड करता रहेगा ना, उससे हम देख सकता है दैट 400 इयर्स में पोल का मूवमेंट किधर रहा है, किस तरह से जा रहा है। अभी हमको ये पता चल गया था, लगभग कनाडा के पास था वो नॉर्थ पोल, अभी वो साइबेरिया के पास मूव कर रहा है। पहला लगभग 5 किलोमीटर पर ईयर, देन 10 किलोमीटर पर ईयर इस तरह से जा रहा था, अभी लगभग 55 किलोमीटर पर ईयर वेग में वो जा रहा है। ये चेंज, ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज के कारण उस इलाका में मैप में आप थोड़ा चेंज करना है। मैप में आप लिखा होगा ना इधर है नॉर्थ पोल, दैट इज व्हाई यू विल बी यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास, वो थोड़ा चेंज करना है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के जरिए कंपास पर दिशा दिखता है।
इस बदलाव की वजह से जलमार्ग के जरिए यातायात में दिक्कत हो रही है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पिछले कुछ दशकों में इतनी तेजी से खिसक रहा है कि वैज्ञानिकों के पूर्व में लाए गए अनुमान अब जलमार्ग के लिए सही नहीं बैठ रहे। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के तेजी से खिसकने की वजह से वैज्ञानिकों के पूर्व में लगाए गए अनुमान अब नेविगेशन यानी नौवाहन के लिए सटीक नहीं रहे। सोमवार को वैज्ञानिकों ने एक अपडेट जारी किया कि ट्रू नॉर्थ असल में कहां है। ये अपडेट तय समय से करीब एक साल पहले जारी किया गया है। इसके मुताबिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हर साल 55 किलोमीटर खिसक रहा है। इसने 2017 में इंटरनेशनल डेडलाइन को पार कर लिया था और ये साइबेरिया की तरफ बढ़ते हुए फिलहाल कैनेडाई आर्कटिक से आगे बढ़ रहा है। आप एयरपोर्ट में रनवे देखा होगा, ओके? वो रनवे में नंबर लिखा होगा, वो नंबर एक्चुअली आपको बोलता है मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से ये कितना डिग्री में है, राइट? सो सपोज अलास्का में एक रनवे है और पोल के पास कोई रनवे है, वो रनवे में पहला हम लिखा है इतना डिग्री, बट पोल अभी चेंज हो गया सो डिग्री चेंज हो जाएगा, सो फ्लायर फ्लाइट में आने के समय वो रॉन्ग डिग्री में गया तो वो लैंड नहीं होगा, दूसरा जगह जाएगा। सो वो जहाँ में वो नंबर चेंज कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के लगातार बदल रहे स्थान की वजह से स्मार्टफोन और उपभोक्ता के इस्तेमाल वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपासेस में समस्या आ रही है। विमान और नौकाएं भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर निर्भर रहती हैं। खासकर इसमें नेविगेशन में अतिरिक्त मदद मिलती है। हालांकि इस भौगोलिक बदलाव से जीपीएस प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि वो उपग्रह आधारित है। सेना, नौवहन और पैराशूट उतारने के लिए इस बात पर निर्भर रहती है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहाँ है, जबकि नासा, संघीय विमानन प्रशासन और अमेरिकी वन सेवा भी इसका इस्तेमाल करती है। हवाई अड्डे के रनवे के नाम भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की तरफ उनकी दिशा पर आधारित होते हैं और ध्रुवों के घूमने पर उनके नाम भी बदल जाते हैं। आप अगर एक कंपास नीडल को रखेंगे, पहले तो वो उत्तरीय कनाडा की तरफ पॉइंट करता था, अब जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो शिफ्ट करता महसूस होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा। तो इसके वजह से जो भी नेविगेशन चुंबकीय शक्ति के माध्यम से नेविगेशन जो होता है वो इसके वजह से बहुत भारी रूप से प्रभावित होंगे। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उसके भौगोलिक ध्रुव से अलग होता है। भौगोलिक ध्रुव पृथ्वी के उस अक्ष को मिलाने वाले बिंदुओं को कहते हैं जिन पर पृथ्वी घूमती है। चुंबकीय ध्रुवों का स्थान बदलता रहता है और कभी कभी तो दोनों ही ध्रुव एक दूसरे की जगहों पर पहुंच जाते हैं। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक खिसका है। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिससे चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति लगातार बदल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कंपास पर आधारित धरती की चुंबकीय उत्तरी दिशा इतनी तेजी से बदल रही है कि वैज्ञानिकों को तय समय से एक साल पहले ही इसके बारे में घोषणा करनी पड़ी। वैज्ञानिक हर 5 साल में धरती के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बारे में जानकारी देते हैं। पिछली बार 2015 में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति को अपडेट किया गया और अगली तारीख 2020 में तय थी, लेकिन धरती के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तेजी से खिसकने के कारण वैज्ञानिकों को एक साल पहले ही इसके बारे में घोषणा करनी पड़ी। मनुष्य को और नहीं तो जीवी को कोई डेंजर हो जाएगा, कुछ नहीं है, ये एक आमतौर पर इट्स ए यूजुअल नेचुरल फिनोमिना, इसमें कोई नहीं है। पहले भी इस तरह से हो रहा था, अभी भी इस तरह से हो रहा था, बट एक मिस्ट्री है, लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से क्यों 50 किलोमीटर तक अभी जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हमको पता नहीं है। इसको ऊपर खोज हो रहा है, दैट इज आपको पता चल गया दैट इस तरह से हो रहा है, नाउ हम खोजेंगे क्यों हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में बदलाव क्यों हो रहा है।
चुंबकीय क्षेत्र इतने नाटकीय रूप से क्यों बदल रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी वजह पृथ्वी के बाहरी कोर में हलचल है। ग्रह के कोर में लोहे और निकल का गर्म तरल महासागर है, जहां हलचल से विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन का कारण पृथ्वी के भीतर मौजूद पदार्थ हैं, जो पृथ्वी के कोर में मौजूद तरल पदार्थ अधिकांश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हालांकि राहत की बात यह है कि चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और उत्तर के मुकाबले बहुत धीमी गति से खिसक रहा है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का स्थान कनाडा के नीचे और साइबेरिया के नीचे दो बड़े पैमाने पर चुंबकीय क्षेत्र से संचालित होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव बीते कई सालों से कैनेडियन आर्कटिक से साइबेरिया की ओर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसने पिछले कुछ दशकों में करीब 15 किलोमीटर प्रति वर्ष से लेकर 55 किलोमीटर प्रति वर्ष तक की गति पकड़ ली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चुंबकीय ध्रुव तेजी से चल रहा है, इस क्षेत्र को बड़ी त्रुटियों से ग्रस्त कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर से पैदा हो रहा है? यद के अंदर कोर में मोल्टन रूप में, दैट इज द्रव रूप में, मेटल, निकल, आयन, ये सब मेटल अंदर में घूमता है। ये घूमने के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये लिक्विड कोई सी समय घूमने के समय ठीक से नहीं घूमेगा ना। आप पानी को घूम के देखो, एक पानी इस तरह से जाएगा, वो दूसरा पानी इस तरह से जाएगा, इस तरह से उसमें उथल पुथल होगा ना। इस उथल पुथल के कारण ये पोल का पोजीशन चेंज करता ही रहेगा। इसके पहले जो अध्ययन हुए हैं वो बताते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति पिछले 150 वर्षों में 10% कम हुई है। 150 वर्षों के दौरान चुंबकीय उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र में और 1100 किलोमीटर खिसक गया। पिछले 4 शताब्दियों में चुंबकीय ध्रुव की गति स्थिर थी, लेकिन उसकी तुलना में पिछली शताब्दी में चुंबकीय ध्रुव की गति बढ़ी है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को सबसे पहले 1831 में खोजा गया था। 1904 में जब वैज्ञानिक वहां दोबारा गए तो वहां उन्होंने पाया कि ये 50 किलोमीटर खिसक गया है। दिशा सूचक यंत्र कंपास का प्रयोग करने वालों में सदियों से इस बात को लेकर असमंजस रहता है कि चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव में क्या अंतर है। दरअसल कंपास की सुई चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है, न कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को। 200 ईयर्स के पहले किधर था ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल? ये उस जमाने में ट्रैवलर्स होगा ना, शिप में ट्रैवलर होगा, पर्टिकुलरली उस इलाका में, दैट इज नॉर्थ पोल के आसपास नॉर्थ सी में घूमने वाला लोग वगैरह, वो उनका मैप में लिखा होगा इधर इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक कॉम्पस इस डायरेक्शन दिखा रहा है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन दिखा रहा है, ये दोनों को क्रॉस कर दिया तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आ जाएगा ना। सो उस जमाने में किधर था ओल्ड मैप से हमको पता चल रहा है वो, और आजकल क्या हो रहा है ये दोनों कंपेयर करके हमको पता चल रहा है दैट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लगभग 400 ईयर्स मूव करके रह रहा है। कनाडा के आसपास था, अभी साइबेरिया के पास जा रहा है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उत्तर अमेरिका से इतनी तेजी से दूर होता जा रहा है कि अगले कुछ दशकों में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साइबेरिया पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो अलास्का में दिखाई देने वाले रोशनी, जिसे ऑरोरा बोरालिस कहते हैं, वो साइबेरिया और यूरोप में और अच्छी तरह दिखाई देने लगेगा। इस घटना में सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण आयन मंडल की गैसों से मिल जाते हैं, जिससे वहां चमक दिखाई देती है। वैभव राज शुक्ला और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हम अक्सर पृथ्वी के बारे में बात करते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, साथ ही मैग्नेटिक पोल की बात भी की जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है क्या और चुंबकीय ध्रुव से ये कैसे अलग है। हमारी पृथ्वी आकार में ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी लद्वक्ष गोलाभ है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिसमें हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं और ये दोनों बिंदु पृथ्वी पर खींची गई रेखाओं को आधार प्रदान करते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, जिन्हें गोलार्ध कहा जाता है। इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इन्हीं गोलार्धों के 90 डिग्री के अक्ष का बिंदु ध्रुव कहलाता है, यानी पृथ्वी का जो सबसे दक्षिणी छोर है
वो है दक्षिणी ध्रुव, और इसके ठीक विपरीत इसके उत्तरी छोर पर है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है, जिस पर पृथ्वी की धुरी घूमती है। कुल मिलाकर पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव है वो डायरेक्शन तो इसलिए है क्योंकि उसी डायरेक्शन के चारों तरफ पृथ्वी जो है अपने धुरी के चारों तरफ घूम रहा है। 24 घंटे का जो एक घूमने का जो पीरियड है वो भौगोलीय धुरी के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन भौगोलीय ध्रुव के अलावा भी चुंबकीय ध्रुव भी है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव कहाँ से पैदा हो रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो कोर है, मतलब आप अगर 3000 किलोमीटर डेप्थ पे जाएंगे वो कोर जो आपको मिलेगा वो लिक्विड लोहा और लिक्विड निकेल से बना हुआ है, और वो जो तरल पदार्थ के रूप में है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में वो अपने ओर घूम रहे हैं। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण वाले दोनों ही ध्रुव बेहद ठंडे हैं, और यहाँ का अधिकांश हिस्सा साल भर बर्फ की परत से ढका रहता है। लेकिन ये दोनों ध्रुव एक जैसे बिल्कुल नहीं है। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका भी कहा जाता है, और इन दोनों में काफी अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि अंटार्कटिका में आर्कटिक से तकरीबन 6 गुना ज्यादा बर्फ है, और इसके केंद्र में बर्फ की मोटाई 1.5 किलोमीटर तक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र मुख्यतः एक महासागर है। यानी एक बसा है ठोस धरती पर तो दूसरा सागर के ऊपर जमी बर्फ पर, जिसका मूल आधार ही पानी है। उत्तरी ध्रुव में तो आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पे तापमान इतना कम है कि सारे प्राणी नहीं रह सकते हैं वहाँ पे। पोलर बेयर रहते हैं और मनुष्य के भी एस्किमोज वहाँ पे रहते हैं, और एस्किमोज ठंड से छुटकारा पाने के लिए वो बर्फ़ से बनाया हुआ इग्लू घर बना के उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ का जो घर होता है वो एक थर्मल इंसुलेटर के रूप में काम करता है, और वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अनोखा लाइफस्टाइल है। तो आर्कटिक, अलास्का, ये सारे रीजन वो काफ़ी ठंड रीजन है, और ठंड रीजन का जो मनुष्य का जो सोशियोलॉजी है, एस्किमोस का जो सोशियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। सातों महाद्वीपों में ये सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। सबसे दुर्गम और मानव बस्तियों से सबसे दूर स्थित ये जगह है। ये इलाका साल के ज्यादातर महीने दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। साल के कुछ ही दिन होते हैं जब यहाँ का तापमान 0 से ऊपर रहता है। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज होती है, और कभी कभी तो ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर जाती है, जो जमीन से मिट्टी के कणों को काट कर उड़ा ले जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में 70 तरह के जीवधारियों की खोज की गई है, और इनमें भी 40 से ज्यादा कीड़े मकोड़े ही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका में कई तरह के खनिज पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं, और इसमें सीसा, तांबा और यूरेनियम भी शामिल है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना बेहद कठिन है। दक्षिणी ध्रुव के विपरीत उत्तरी ध्रुव समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका होता है। ये महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस इलाके का तापमान मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ पिघलती और जमती रहती है। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल भी कहा जाता है, और इसकी खोज 1909 में रॉबर्ट पेरी ने की थी। हालांकि इसे लेकर भी कई भ्रांतियां हैं। नॉर्थ पोल पर अगर कोई खड़ा हो तो उसके लिए चारों ओर नॉर्थ ही नॉर्थ होगा। यहाँ दिन और रात भी 6-6 महीने के होते हैं। बात करें चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव की, तो इन दोनों में भी अंतर है। भौगोलिक ध्रुव हमेशा अपनी जगह पर कायम रहते हैं, वहीं चुंबकीय ध्रुव लगातार खिसकते रहते हैं। और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुवों के अंतर का
सटीक अंदाजा लगाकर ही नेविगेशन सिस्टम काम करता है, लेकिन अब पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तेजी से खिसक रहा है, जिसने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी है। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पृथ्वी जहां हम रहते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर यूं ही जीवन नहीं, ये ग्रह हर लिहाज से खास है। सौर मंडल के कई ग्रहों के मुकाबले इसमें कई खासियत है जो इसे सजीव बनाती है। कैसे बनी है पृथ्वी, क्या है उसकी संरचना और सौर मंडल के बाकी ग्रहों से कैसे ये अलग और अनोखी है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य की ओर से बुध और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है। सौर मंडल में ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा है। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी और समुद्र की सतह से टकराकर वायुमंडल में बदल जाता है। अगर इसके आकार और बनावट की बात करें तो ये शुक्र की तरह प्रतीत होता है। सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। और अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर महासागर और महाद्वीप टिके हुए हैं। इसकी पहली परत का निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु से हुआ है। पृथ्वी जो है भारी मात्रा पे अगर हम बाहर देखेंगे तो सिलिकॉन के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। जैसे हम जो रेत होता है वो ज़्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। रॉक्स लेंगे वो भी सिलिकेट्स से बना होता है। लेकिन आप अगर डीप लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे डीप मतलब वहाँ पे भारी एलिमेंट का होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लोहा भारी है, लेड वो भारी है, यूरेनियम काफ़ी भारी है, तो जो भारी पदार्थ है वो आपको सेंटर पे मिलेंगे। जो लाइटर पदार्थ है जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये लाइटर पदार्थ है, ये आपको पृथ्वी के ऊपर के क्रस्ट में मिलेंगे। और एटमॉस्फेयर तो सबसे लाइट है, इसलिए क्रस्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर है। हमारी पृथ्वी की आयु क्या है, यानी कब से ये अस्तित्व में है? रेडियोथर्मी डेटिंग और साक्ष्य के कई स्रोतों से जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 बिलियन साल हो चुकी है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में अन्य पिंड के साथ परस्पर प्रभावित रहती है, खास तौर पर सूर्य और चंद्रमा से। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। ये पृथ्वी को इसकी अपनी अक्ष पर स्थित करता है और इसकी परिक्रमा को धीमा कर देता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 1 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन वायुजीवी जीवों के प्रसारण के साथ ओजोन परत का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ हानिकारक विकिरण को रोकने वाली दूसरी परत बनती है और इस प्रकार पृथ्वी जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। सपोज हमारा एटमॉस्फेयर को हम खराब कर दिया तो, मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाल दिया तो एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाएगा। ये हीटअप के कारण धरती में पूरा लाइफ नष्ट होने का संभावना है। अब बात करें इसकी संरचना की तो पृथ्वी की ऊपरी परत एक ठोस परत है, मध्यवर्ती अत्यधिक गाढ़ी परत है, बाह्य कोर तरल और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक कोर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग पांचवा हिस्सा है। भूकंप से उत्पन्न प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के अंदर स्नेल के नियम के अनुसार प्रत्यावर्तित होकर वक्राकार पथ पर चलती हैं। जब दो परतों के बीच घनत्व अथवा रासायनिक संरचना का अचानक परिवर्तन होता है तो तरंगों की कुछ ऊर्जा वहां से परिवर्तित हो जाती है। परतों के बीच ऐसी जगहों को दरार कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है, जिसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का स्रोतों को दो हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन,
वेधन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक ही जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई 8,848 मीटर है। इतनी विविध और जटिल संरचना वाली पृथ्वी लगातार बदलती रही है, लेकिन अपने अंदर जीवन को समाहित रखने वाली पृथ्वी ने कभी ऐसा रूप नहीं बदला जिससे इस पर जीवन का अंत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।